जय हिंद। चलिए समझते हैं हम लोग ये जेट इंजन और टर्बोजेट क्या होता है। उसमें भी देखेंगे तो अभी भारत ने एक नया मिसाइल परीक्षण किया है, स्क्रैमजेट इंजन से लगा हुआ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना से भी ज़्यादा, एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर चला जाता है। तो ये जहाज ससुरा उड़ता कैसे, इसमें जेट इंजन कैसे लगा होता है और ये जेट इंजन काम कैसे करता है, और मान लीजिए हवा में इसके जो जेट इंजन है ये खराब हो जाए या कोई पक्षी इसमें टकरा जाए और बंद हो जाए तो अगर तब ये जहाज कैसे सुरक्षित उतर जाता है, और कई ऐसे जहाज है जिनका इंजन बंद हो गया था हवा में फिर भी ये उतर गए थे। तो ये जेट इंजन कैसे काम करता है इसको समझते हैं। देखिए ये सिंपली सा इसका सिद्धांत क्या है, ये जेट इंजन का ये है आपका जहाज का इंजन जिसे हम लोग प्रोपेलर के नाम से जानते हैं। ये इंजन हो गया, यही मेन इंजन होता है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शेप देख रहे हैं ये एरोडायनामिकली इसे बनाया गया रहता है। ये एक तरह का आप समझिए तो क्रिया प्रतिक्रिया पे काम करता है, यानी इधर से हवा लेके ये इस सब करके इधर फेंकेगा तो इस पे एक झटका लगता है, जिस झटके के वजह से ये विमान उड़ जाता है। इसके आगे एक बहुत बड़ा फैन लगा होता है, ये फैन क्या करता है आगे से बहुत ज़्यादा हवा को सक करके पीछे की ओर फेंकता है। पीछे की ओर फेंकने से जब हवा पीछे जाएगी तो आगे की ओर झटका लगेगा जिस वजह से जहाज आगे चली जाएगी। ये आगे से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा को खींचता है। अब इसके आगे अगर कोई आदमी आ जाएगा ना तो उसको खींच के अंदर ले जाएगा, काट कूट के फेंक देगा। देखिए ना यहाँ एक बहुत बड़ा सा ये एक बोर्ड आ गया था, इतना बड़ा सा चीज़ देख रहे हैं ना, एक ट्रॉली टाइप का है, इसको खींच लिया ये यहाँ पर, इतना पावरफुल होता है। इसीलिए इसके यहाँ पर देखेंगे तो एक जलेबी टाइप का इसे बना देता है। ये इस चीज़ के लिए बनाता है कि अगर ये जलेबी टाइप का दिख रहा है तो समझिएगा इंजन बंद है, और अगर इंजन चालू है तो दिखेगा ही नहीं, गोल गोल नचने लगेगा, तो इसके पास मत जाइएगा, नहीं तो ये देख रहे हैं बकलोलवा खड़ा है, चल जाएगा अंदर पीछे, जूस बना के फेंक देगा इसको। अब जेट इंजन का जो बेसिकली फ्लाइट का सिद्धांत क्या है कि जैसे हम गुब्बारा में हवा भर देते हैं और गुब्बारे में हवा नीचे से छोड़ेंगे ना तो हवा नीचे और गुब्बारा ऊपर, यानी जिधर हवा फेंकेगा उसके उल्टा जहाज जाएगा। तो यही क्या करता है, यहाँ से हवा सक कर लिया और फेंकेगा, इधर से जहाज आगे चलते जाएगा। अब जो इसमें क्या सिस्टम है बस यही समझना है कि पंखिया कैसे उड़ा देता है जेट इंजन, समझ में आ जाएगा, बच्चा का चीज होता है जेट इंजन। अब सिंपली समझिए, जो जेट इंजन हम एक इंजन को निकाल रहे हैं जहाज में यहाँ समझाने के लिए, ये बाहर की उसकी केसिंग है, ये कुछ नहीं करता, आगे एक पंखा लगा, ये देख रहे होंगे यहाँ पे पंखा है, ये पंखा नचेगा और पंखा नचेगा तो आगे से इंटेक एयर आगे से हवा लेगा और ये हवा को पीछे की ओर फेंक देगा। जो हवा पीछे की ओर फेंकता है ना उसे हम लोग कहते हैं बाईपास एग्जॉस्ट। ये बाईपास एग्जॉस्ट जो होता है आगे से जितनी हवा लेता है उसका लगभग 90% से ज़्यादा ये हवा को पीछे फेंक देता है, जिसे हम बाईपास एग्जॉस्ट कहते हैं। इससे एक आगे की ये पीछे फेंका तो आगे की थ्रस्ट पैदा होता है जिस थ्रस्ट से जहाज उड़ जाती है। सिंपल है, बस यही काम है जहाज उड़ाने में, इस पंखी को ना चाहिए ये हवा पीछे फेंकेगा जहाज आगे उड़ेगी, जितना तेज ना चाहेंगे उतने तेज हवा फेंकेगा, स्पीड बढ़ाना है हनहना के ना चाहिए, स्पीड धीमे करना है तो थोड़ा धीमा ना चाहिए, काम खत्म। यही हो गया जेट इंजन, इसी को उड़ाने के लिए होता है। अब कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि जब जहाज रनवे पर लैंड करती है उसे रोकना होता है तो रिवर्स चलाना होता है, रिवर्स इंजन, तो लोगों को लगता है ना रिवर्स इंजन जो है उल्टा चलाएगा, कुछ उल्टा नहीं चलाता, वैसे ही चलाता है। देखिए अभी नॉर्मल वे में क्या होता है कि हवा इधर से आई, हम इसमें ग्रीन कलर से रंगे हुए हैं, तो हवा इधर से आई और इधर चली गई तो ये एग्जॉस्ट है, जहाज इधर आराम से जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर रनवे छोटा है हमको अचानक रोकना है तो एक काम करते हैं, कैसे कि इसका पंखिया तो नचते रहेगा, एक काम किया जाए अगर ये हवा जो यहाँ से निकल रहा था इसके रास्ते में एक रुकावट लगा दे तो हवा यहाँ से घूम के इधर चली जाएगी और यहाँ भी रुकावट लगा दे तो इधर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजन बंद नहीं होगा, बस एक ऐसा सिस्टम लगाना है कि बस ये हवा की डायरेक्शन को उधरे मोड़ दे। अब उधर मोड़ देगा तो फिर जहाज के पास पावर नहीं रह जाएगा, इंजन तो चलेगा लेकिन पावर नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इस बड़े से इंजन में एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि जब हमें रिवर्स करना होता है तो पायलट को पता है रिवर्स करना है, बटन दबाएगा इंजन में एक इस टाइप का देखिएगा ये एरिया अंदर की ओर खुल गया, ये देखेंगे ना इंजन हल्का सा अंदर की ओर इसे खुल जाएगा। तो खुलने से क्या होता है कि वो रास्ता जो हवा पीछे जा रही थी उसे बंद करके आप ऊपर की ओर फेंक देगा, जिसे हम कहते हैं रिवर्स इंजन का हो जाना। रिवर्स इंजन में उल्टा नहीं नचता है, डायरेक्शन वही रहता है, बस पीछे के रास्ते को बंद करके ऊपर से हवा को लीक करा दिया जाता है जिस वजह से एयरक्राफ्ट का पावर लॉस हो जाता है। अब आप ये तो समझ गए कि जहाज उड़ाने के लिए सिंपल सा है, इस फैन को ना चाहिए ये आगे से हवा सक करके पीछे फेंकेगा जहाज आगे चल जाएगा। जरा आप सोचिए तो एक बात, इस ससुराई पंखिया को कौन नचाएगा, आखिर पंखिया पायलटवा इसे बेना की तरह डोलाएगा, नच 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 ऐसे जहाज उड़ेगा, इसको कौन नचाएगा।
तो इसको नचाने के लिए अब क्या चाहिए, तो इसको नचाने के लिए इसके पिछवा एगो इंजन लगा दिया जाता है। ये इस इंजन को हम लोग कहते हैं टरबाइन। तो ये टरबाइन जो पिछवा देख रहे हैं, ये टरबाइन जहाज नहीं चलाता है, ये टरबाइन ये पंखिया को नचाता है, और ये पंखिया हवा बाहर फेंकता है जिससे जहाज उड़ जाती है, और कुछ नहीं है। तो ये ऊपर वाला ये जो सिद्धांत है, ये जेट इंजन का सिद्धांत है, यही जहाज को उड़ा देता है। और पीछे लगा हुआ है टरबाइन, जिसे हम लोग कहते हैं टर्बो जेट। तो टर्बो जेट जो है ना, ये पीछे लगा होता है, और ये एक शाफ्ट द्वारा, शाफ्ट माने एक बड़का पाइप, ट्रक के नीचे देखे होंगे वो शाफ्ट घूमता है पिछवा चकवा को नचाने के लिए, ये शाफ्ट द्वारा आगे के फैन से जुड़ा रहता है। जहाज को उड़ाने का मेन काम ये फैन करता है, और इस फैनवा को नचाने का मेन काम करता है ये टर्बाइन, जिससे बन गया है टर्बो जेट। तो ये टर्बो जेट इंजन है। अब यही समझने में दिक्कत हो जाती है कि इस ससुरा को कैसे नचाया जाए। जहाज उड़ने का सिद्धांत बस यही है, हाई नचेगा या हवा फेंक देगा, अब इसको कैसे नचाना है ये समझिए। देखिए यहाँ से तो ये कैसे नचेगा, तो ये जब हवा लेता है अंदर, तो हवा का तो नहीं, ये लगभग 90% फेंक देता है, लेकिन इसको नचाने के लिए यहाँ इंजन लगाना पड़ेगा, नचाने घुमाने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये जब अंदर लेता है, तो एक लगा दिया जाता है कंप्रेसर। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर उसे कहते हैं जो हवा को खींच के फेंकता है दूसरे ओर। जैसे हमें कहीं आग लगाना है चूल्हा वगैरह में, तो आग कब लगेगा, जब तक आप उसे ऑक्सीजन नहीं दीजिएगा आग थोड़े पकड़ेगा। तो अगर धधका के जलाना है तो हवा और मारिए, और लुसुर लुसुर जलाना है तो कम ऑक्सीजन दीजिए। तो जब धधका के जलाना है ना, तो ज्यादा हवा की जरूरत होता है। तो जो हवा की सप्लाई करता है उसे कंप्रेसर कहते हैं। हम लोग का मुंह भी तो कंप्रेसर है। ठंडी के दिन में मीठी आग जलाते हैं तो आदमी कौन चाहिए, कंप्रेसर है। नकिया से हवा को खींचते हैं, फूंक लग देते हैं। देहात में तो नॉर्मल कंप्रेसर होता है। देखिए महिला सब जो चूल्हा में जलाती हैं, सब ये जो फूंकनी ली है सब, ये फूंकनी को अंग्रेजी में कंप्रेसर बोला जाता है। ये क्या करेगी महिला, पहले हवा लेगी बाहर से, यही हो गया कंप्रेसर। जितना अगर यहाँ ज़्यादा आग लगाना है तो ज़्यादा फेंकिए, कम लगाना है तो कम फेंकिए। तो हवाई जहाज में भी यही सिस्टम है, ये है कंप्रेसर। ये क्या करता है, इधर से हवा पंखवा जब नसता है ना, तो ये तो ज़्यादातर एयर बाहर फेंक देता है ताकि जहाज उड़े, लेकिन ये जो कंप्रेसर है कहता है कि भाई साहब तनी हमरो हवा दे, ताकि इधर पेट्रोल जलाएंगे ना तो ये चलेगा ना, तो तोरा कौन चलाएगा। तो ये कंप्रेसर इधर से हवा सूखता है, इधर फूंक देता है, लगा दे, जला दे, जला दे यहां से। तो ये क्या करेगा, इधर से चूसेगा, यही काम है कंप्रेसर का, खत्म। इतने पे जहाज चलता है। अब समझिए आगे क्या होगा। तो ये वाला एरिया है, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, ज्यादा से ज्यादा हवा लेता है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे हवा की कमी हो जाती है, और हवा कम हो जाएगा ना, ऑक्सीजन कम होगा, ईंधन में आगे नहीं लगेगा। अब ये यहाँ पे 10% क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके अंदर फेंक देता है। और जब कंप्रेस करके फेंकता है तो इसके पीछे छुपा रहता है यहाँ पे, देखिए स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग मतलब चिंगारी फेंकता है, चिंगारी जैसे मोटरसाइकिल में कैसे होता है चिंगारी फेंकने वाला, और इसी में लगे रहते हैं नोजल। नोजल मतलब उसमें फुचुर फुचुर करके उसमें फ्यूल ईंधन फेंकते रहते हैं सब। अब ईंधन देखिए, यहाँ से ईंधन आइए गया है, और यहाँ से चिंगारी आइए गया है। अब ईंधन है, चिंगारी है, अब चाहिए ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन ऊंचाई पे कम रहता है, तो कम ऑक्सीजन का काम पूरा कर दिए हैं भाई साहब ये कंप्रेसर। 90% हवा उधर चला गया, 10% घींच लिया, सब घींच लेगा तो बुताइए जाएगा ही। अब आग जलाना है तो आंधी में रख देंगे तो ना जल जाएगा भाई, तो अति नहीं करना है। तो ये कंप्रेसर इसको भेज देता है, और यहाँ लग जाता है आग। आग लगेगा तो हवा हो जाएगी गर्म, और गर्म हवा सोचती है किधर से भाग जाए, तो बताइए ना इधर भाग पाएगी, इधर पंखवा चल रहा है अपने खींच रहा है, तो कहेगा इधर कहाँ रहे, तो इधर भाग। और जैसे इधर भागेगी तो इधर एक ठो टरबाइन लगा दिया जाता है, पंखी लगा दिया जाता है, और यही पंखिया जुड़ा है आगे वाला पंखिया से। तो जैसे ये कंप्रेसर हवा भेजा, यहाँ इसका इंतजार कर रहा था फ्यूल। जहाज में पेट्रोल नहीं, किरोसिन ऑयल पड़ता है, वो एक अलग टाइप का किरोसिन होता है, पेट्रोल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ आग लगा, और ये हो गया यहाँ आग लग गया। तो इसे कहते हैं कंबसन चैम्बर, यहाँ आग लग रहा है, इसे कहते हैं कंप्रेशन चैम्बर, ये कंप्रेस हो रहा है। और ये हो गया आपका फैन, ये ऊपर से निकल गया आपका एग्जॉस्ट बाईपास, वो जहाज चला दिया। और ये जो गर्म हवा निकली है ये आग लग के, ये इस टरबाइन को नचाएगी। ये नचेगा टरबाइन, तो ये जुड़ा हुआ है आगे के पंखा से, अब आगे वाला पंखा नचेगा। ये ससुरा पंखवा हवा फेंक रहा है तो जहाज उड़ रही है, और ये जो कंप्रेसरवा है तो नहीं सर उसमें हवा चूस ले रहा है, दे रहे इधर, इधर फूंक दे रहा है।
जरा दे जरा दे, ओके आई जरेगा तो ये नचने लगेगा, हो गया जहाज उड़ गया। यही सिद्धांत है जेट इंजन का, जिसको हम टर्बो जेट कहते हैं। ये है टर्बाइन, आई है जेट, मिला दिए टर्बो जेट, यहाँ थोड़ा सा फाँक कर दिए हैं, समझिए ये क्या है, ये है फैन। जहाजिया यही चलाता है, कैसे तो इधर सा हुआ बाहर फेंक कर। इस ससुरा फैनवा को कौन चलाता है, तो ये टर्बाइन, टर्बाइन फैन से जुड़ा रहता है, किसके द्वारा, शाफ्ट द्वारा। ये टर्बाइनवा को कौन चलाएगा, तो यहाँ पे है आपका कंबशन चैम्बर, यहाँ पर फ्यूल है किरोसिन तेल और स्पार्क है, इसको ऑक्सीजन कौन देगा, तो ये कंप्रेसरवा चूस चूस के देगा। पंखा है अरे एक और पंखा चला, पंखा क्या है, एक तरह का पंखा क्या कहते हैं, सो पंखा तो कंप्रेसर है ना जी, पिछवा से हवा को कंप्रेस करके फेंक देता है, लो यहाँ पे ये कंप्रेसर है ना जी पंखा। और कौन चीज है कंप्रेसर, जो होता है एक तरह का बहुत हाई स्पीड पंखा होता है, और कुछ नहीं होता है। ज्यादा टेक्निकल में जाइएगा, देहाती भाषा में समझिए, समझिए फूकनी जो होता है ना कंप्रेसर होता है, इतना ना बड़का बड़का कंप्रेसर, ऐसा शब्द है ससुरा समझे में नहीं आता है यहाँ पे, ये समझ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया फैन, ये हो गया आपका ये कंप्रेसर, ये कंबशन आग लगने वाला, यहीं पे फ्यूल और स्पार्क होता है, और ये हो गया टर्बाइन, और इसके इधर से नोजल से ये धुआं निकल जाएगा, गया काम से जहाज उड़ गया। जेट इंजन समझ गए, यही है जेट, अगवा जेट पिछवा टर्बाइन, टर्बो जेट। एक बात बताइए, ये बात समझिए, जब तक ये पिछवा वाला नहीं नचेगा अगवा वाला पंखिया नचेगा कैसे, समझ आ रहा है। और ई ससुरा कहता है यहाँ पर आग लगने वाला कि जब ये पंखिया नचेगा तब हवा आएगा और तब इसमें आग बरेगा और तब ही भागेगा, तो कुल बवाल हो गया। ई कह रहा है कि तुम पहले चलाओ, आई कह रहा है कि पहले हमको तुम चलाओ, अब बवाल हो गया, अब कौन चलाएगा किसको, खुद सोचिए ना। अरे भाई साहब पहले ये चलेगा तभी ये चलेगा, ये चलेगा तो वो चलेगा, तो हमको एक ऐसा चीज़ चाहिए जो इसको स्टार्ट करके चल जाए। जैसे मोटरसाइकिल में क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, तनी देर में कुछ देर दबिएगा गाड़िया स्टार्ट कर देता है सेल्फ स्टार्ट, वो क्या करता है अंदरवा जाके आग लगा देता है। तो हमको भी एगो चीज़ चाहिए जो तनी देर में पंखवा को चला दे। कभी कभी ट्रेन में पंखवा नहीं चलता है ना, तो आदमी हथवा से तन से चला देता है, तो पायलट को क्या करना चाहिए, जहाज में से उतरना चाहिए, हाँ पंखिया नचा देना चाहिए, नच नच नच, जैसे नचेगा यहाँ आग लग जाएगा, छजुरा नच गया कहीं तो पायलटवे को घोंप ले जाएगा यहाँ। तो इसके लिए हमको एगो बैटरी लगाना पड़ता है जो इसको चला सके, तो इसी के लिए जहाज के पिछवा लगा रहता है ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU, ये बैटरी का होता है, छोट मोट इंजन होता है पिछवा लगा रहता है, देखिए छोटा सा इंजन होता है पीछे। इसका काम क्या होता है, बस एक मिनट के लिए जहाज को चलाता है, बस एक मिनट के लिए इस पंखिया को, जैसे ही पंखिया को चला दिया घन 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 घन, कंप्रेसर कहेगा ए चाचा चालू हो गई चालू हो गई, तो ही कहेगा लिया गया ऑक्सीजन लिया ऑक्सीजन लिया, तो ये ऑक्सीजन ले आएगा यहाँ जलेगा, और फिर ये चाचा चालू हो जाएंगे, अब ये नचाएंगे इनको, आइए उड़ा देगा जहाज को, हो गया यहाँ पर। तो जहाज में एक्चुअली में तीन इंजन होते, मतलब इंजन जो होता है ये मेन इंजन है, यहाँ आप देखिए ये मेन इंजन, एक दो तीन चार, चार इंजन हो गया, और हर एक जहाज में पीछे लगा होता है एक APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट। अब इसमें देखेंगे तो दो इंजन है, एक दो, यहाँ दो मेन इंजन हो गया, और APU तो भाई साहब सब में लगना है, नहीं तो ससुरा स्टार्ट कैसे होगा, धकेल के स्टार्ट होगा, ले 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 धकेलते हैं, गाड़ी बंद हो जाती तो आप काहे ढकेलते हैं, कि चकवा तनी सा नाच जाए तो जहाजिया को ढकेलेंगे, हाँ कि नाच नाच ढकलाएगा वहाँ पे, तो तनी सा नचाने का काम कौन करता है, ये APU पीछे लगल है, तनी सा नच गया बस टर्बाइन चालू, टर्बाइन नचा देगा फैन को जेट इंजन को, जहाज उड़ जाएगी, सिंपल। अब से समझिए कि जहाज तो उड़ गया, इसमें लगा है जेट इंजन, ये चला रहा है, इसमें भी जेट इंजन है, ये चार गो है टर्बो जेट। मान लीजिए खूब ढेर चिड़िया जो थे सब कौआ, सब कौआ का एगो कौआ मर जाएगा ना, तो बाकी कौआ अनशन पे बैठ गया, रैली निकालेगा सब, तो कौआ सबका रैली निकला था, यो इंजन ये भी इंजन ये भी धाँ 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 सब इंजन में घुसा। आपको पता है कि एगो चीज़ अगर जहाज में घुस गया तो फैन उसको काट कूट देगा, और कंप्रेसर तो चूस रहा है, और कौआ आएगा तो चूस लेगा कौए को, दूर ससुरा, अब पिछवा कंबशन है भूज देगा कौआ को, अब पिछवा टर्बाइन कहेगा रे ससुरा खाएंगे तोरा ऑक्सीजन मांग रहे, तो तू कौआ दे रहा है अंदर में आग लग जाएगा, अब क्या होगा यहाँ पर, इससे तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, अगर जितने पूरा का पूरा इंजन बंद हो जाए तो भी जहाज को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाज ग्लाइड कर सकता है। आप चील कौआ को देखिएगा, चील पंख पंख से ऐसे उड़ता है, तनसा उड़ने के बाद जब ऊंचाई पर चल जाता है तो आराम से ऐसे ऐसे करते रहता है, ग्लाइड करते रहता है। जैसे देखिए पतंग, पतंग क्या करता है, उड़ा के उसको कोई एक पेड़ से बांध दीजिए, आराम से देखते रहिए वो ग्लाइड करेगा, यही ग्लाइड करता है। अगर ये जहाज बहुत हाइट पे है ना,
तो अगर ये 1 फीट नीचे आएगा ना तो उसके लिए वो 30 फीट आगे जाएगा। ऐसे नहीं हचाक से नीचे नहीं आए, ईंटा फेंके हैं कि धाई नीचे चला आएगा, जहाज डायरेक्ट नीचे नहीं आता, ऐसे आएगा आराम से। तो सोचिए अगर वो 1 किलोमीटर ऊंचा है तो 1 किलोमीटर आने के लिए ना उसे 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो 1:3 का रेशियो रहता है जहाज में, इसीलिए जहाज को उड़ाया जाता है 40,000 फीट पर। अब ससुरा उ गया है 30,000-40,000 फीट पे, अब उससे 30 गुना का रेशियो है, सोचिए कितना आगे जाके आराम से उतर सकता है किसी रनवे पर पास के एरिया में। पूछेगा 86 से ये ना कहीं रनवे है, कहेगा ना रनवे नहीं है, तो कहेगा जा इंजन बंद हो गया, अब तो हम खाली ग्लाइड कर रहे हैं, जितना हमारा हाइट है उससे हम 30 गुना दूरी जा सकते हैं। तो पायलट आराम से डिसाइड करेंगे सर कि कितना जा सकते हैं, इस एरिया में रनवे है तो उतार दो, और नहीं है तो देखेगा सर कहीं बढ़िया खलिया खेत खनिहान है वहीं क्रैश लैंडिंग करा देगा, और नहीं तो नदी उदी है तो नदी में उतार देगा। जहाजिया डूबती नहीं है क्योंकि उसका शेप उस तरह से बनाया गया था, अमेरिका में एक जहाज को नदी में उतारा गया था, नदी में उतरेगी तो आग उग नहीं लगता है, लोग तैर के निकल सकते हैं, ये हुआ। लेकिन एक समस्या है, ये ससुरा इंजन में ना हर तरह की अंदर में बत्ती लाइट पंखा भूक भूकुआ लाइट सब चीज का सप्लाई दे रहा था, इंजनवा बंद हो जाएगा ना तो अनहार हो जाएगा जहाज में। तो पैसेंजर लोग में अनहार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगवा कॉकपिट जिसमें पायलटवा बैठा है उसमें अनहार हो जाएगा तब बटन में नहीं दिखेगा कौन जी कहाँ डांटना है, तो धमाल मूवी की तरह लाल बटन है नहीं दबाना तो दबा दिए गिरा देगा। तो इसके लिए इस जहाज में एक एक्स्ट्रा बिजली घर दे दिया जाता है, छोटा मोटा बिजली घर। कैसा बिजली घर, पहले साइकिल चलाते होंगे तो एक डायनेमो लगा रहता है, उसको चकवा से नचा दीजिएगा तो जितना देर नचेगा आपका लाइटिया जला देगा। तो यही क्या किया जाता है, एक रैम एयर टरबाइन होता है। रैम एयर टरबाइन क्या होता है, एक पंखा टाइप का डायनेमो होता है जो नीचे लटका दीजिएगा ना तो जहाज उड़ रहा है तो उसके नीचे ही पंखिया लटका दीजिएगा तो ये तो हवा से नचने लगेगा, और जब तक नचेगा ये नीचे का रैम एयर टरबाइन ये जहाज आराम से उड़ते रहेगा। तो रैम एयर टरबाइन जिसे हम RAT रैट कहते हैं ये तभी नीचे डाउन किया जाता है जब ये इंजन सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं, और इंजन काम कर रहा है तो फिर रैट लटकीला बिना क्या जरूरत है, जब कामे कर रहा है तो रैट लटकीला बिना क्या जरूरत है। जब सारा इंजन ख़त्म हो जाता है और पावर नहीं आता है मतलब लाइट वगैरह बंद हो जाती है तब रैट का प्रयोग किया जाता है, और रैट का प्रयोग नहीं करेगा ना तो जो कॉकपिट है उसमें पूरा अनहार हो जाएगा, सारा बत्ती उत्ती बंद हो जाएगा, वो ग्लाइडो नहीं कर पाएगा पायलट, फिर उसको उठाना पड़ेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करेगा तो ज्यादा दिक्कत होगा। तो इमरजेंसी के लिए यह भी एक तरह का कह लीजिए तो इंजन है जो केवल और केवल पावर सप्लाई देता है करने के लिए। ये देखिए बकलो लिया इको झांक रही है, इन्हें उधर उड़ा रहे गिर जाएगा, इन्हें कौन चीज झांक रही है। वर्जन है स्क्रैमजेट जो उड़ रहे विमानों की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो पहले समझिए रैमजेट और स्क्रैमजेट किसी जहाज वगैरह में सक्सेस नहीं हो पाते, इसका प्रयोग मिसाइलों में किया जाता है। ये क्या करता है, स्पीड कैसे बढ़ाता है, किसी भी जहाज में जेट इंजन लगा, जैसे इसमें भी जेट इंजन लगा है, तो जेट इंजन लगने के बाद उसमें पीछे की ओर या साइड में कहीं जहां जगह ठीक बैठे एक रैमजेट इंजन लगा दिया जाता है। रैमजेट इंजन कुछ नहीं होता है बल्कि वो हवा को लेता है, इसे देखिए यह हवा को लेता है और बीच में एक रुकावट लगा दिया जाता है। ये रुकावट क्या करता है, हवा को बहुत ज्यादा हवा को ले लेता है और जाने का जगह बहुत कम है। अब जब ज्यादा आदमी है पूरा प्रेशर से हवा ले लिए हैं, अंदर कम है तो ऑटोमेटिक यहाँ प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और जब प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो यहाँ आप स्पार्क करके आग लगा दीजिए फ्यूल फेंक के तो ये जहाज को एक एक्स्ट्रा स्पीड दे देगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर हम जेट इंजन नहीं लगाएं डायरेक्ट स्क्रैमजेट लगाएं तो इसमें तो रैमजेट या स्क्रैमजेट लगाएं तो इसमें तो पंखी है ये नहीं है तो जहाजिया को प्रारंभिक स्पीड कैसे देगा। तो रैमजेट और स्क्रैमजेट एक ऐसा इंजन है जो जेट इंजन में लगाने के बाद लगाना पड़ता है इसे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे सके इसे क्योंकि इसके आगे पंखा नहीं होता है, समझा गया। तो शुरुआती स्पीड टर्बाइन देता है बाद में ये देता है। इससे भी खतरनाक रूप है स्क्रैमजेट का। अब स्क्रैमजेट का देखिए इसका मुंहवा और धोधड़ होता है, एकदम धोधड़ यानी खूब हवा ले लेगा, अब पिछवा और एकदम पतला, देखिए इसमें तो और पतला है, यहाँ तो एकदम पतला है। अब यहाँ से हवा सोचेगा हम भागे यहाँ से तो ये क्या करेगा ना यहीं पे फ्यूल फेंक देता है ईंधन और यहीं आग लगा देता है। तो हवा तो अपने सोच रही थी कि भागे और तब तक यहाँ आग लगा दिया तो हवा और गर्म हो गई और भयानक भाग जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए
टर्बोजेट स्पीड धीमा, रैमजेट मीडियम, स्क्रैमजेट सबसे तेज हो जाता है। लेकिन ये दोनों के दोनों इंजन में आगे फैन नहीं लगे होते हैं, यानी ब्लेड नहीं लगे होते, इसलिए ये किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो मिसाइल जब देखे थे, आप ब्रह्मोस मिसाइल को देखिएगा ना, तो आगे खोखला टाइप का दिख रहा होगा आपको। अगर ये इसका इमेज देखेंगे तो ये देखिएगा आगे ना इसका एक नोक टाइप का निकला हुआ, अंदर गहरा है। तो हम लोग ये सोचते थे ससुराई काहे लिए ऐसे बनाया है, धोधड़ टाइप का, इसमें तो हवा फंस जाएगा, ये स्पीड नहीं भागेगा, इसको एकदम सुइया जहाज की तरह बनाना चाहिए ताकि हवा में रगड़ाए नहीं सीधे भाग जाए। बाद में समझ में आया ससुरा कि इसमें पिछवा लगा है जेट इंजन जो इसको ढकेल रहा है, सॉलिड इंजन लगा है, और आगे जो लगा है वो रैमजेट है जो स्पीड पकड़ने के बाद स्पीड को बूस्ट करने का काम आता है। तो भारत ने अभी जो मिसाइल बनाया है वो एक्चुअली रैमजेट और स्क्रैमजेट मिसाइल बनाया है। तो अभी जो हम पिछले 10 मिनट से चिल्ला रहे थे आपको जेट इंजन, हमारा मकसद नहीं था आपको जेट इंजन समझाना। एक्चुअली मिसाइल जो बनी है हाइपरसोनिक, उसमें स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग हुआ है। लेकिन आप ही बताइए, जिस लड़का को जेट इंजन समझ में नहीं आएगा वो कौन सी पूछेगा ससुरा कि स्क्रैमजेट कौन सी है, ये कौन सी है। अब आप बताइए, इसमें पिछवा लगा है जेट इंजन, ये उड़ा दिया, स्पीड हो गया, तो देखिए लोला बैले है तो मुँह फर ले, ये कौन सी है, ये है आपका रैमजेट है, तो इनसे और बढ़ कर देंगे तो स्क्रैमजेट हो जाएगा। मतलब ई जहाजिया को भगा रहा है जेट इंजन, और क्या है, हवा एक्स्ट्रा खींच रहा है, आप पीछे फेंक दे रहा हवा को आग लगा के, तो एक्स्ट्रा स्पीड दे देता है। तो जितने हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है जिसमें रैमजेट या स्क्रैमजेट लगा रहता है, उसमें देखिएगा एगो मुंह बैले रहता है, कोई भी चीज़ नीचवा से देख रहे होंगे, यहाँ पे भी उन्हीं मुंह बैले है, वो क्या है, स्क्रैमजेट या रैमजेट। किसी भी मिसाइल में देखेंगे ना, तो मिसाइल को देखेंगे तो मिसाइल ऐसे रहेगी, आगे खोखला रहेगा, उसमें एक ठोस से कुछ निकला रहेगा, ये क्या चीज़ है, रैमजेट या स्क्रैमजेट वाला हिस्सा है। तो जेट उससे अच्छा हुआ रैमजेट, और उससे अच्छा हुआ स्क्रैमजेट। एक चीज़ देखे होंगे कि जहाज़ों के ऊपर वाटर सैल्यूट किया जाता है, ये तीन चीज़ की वजह से किया जाता है। जब कोई जहाज नया नया एंट्री करता है, अभी अभी कारखाना में से बन के आया है, पहली फ्लाइट है, तो नहीं देखते हैं दुल्हन पहली बार आती है तो परछावना होता है, ओह बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो यहाँ फूल बरसाएगा, रनवे गंदा हो जाएगा, यहाँ पर उबड़ खाबड़, इसलिए पानी बरसाते हैं सब यहाँ पर। और अगर कोई जहाज रिटायर हो रहा है तो भी उसको वाटर सैल्यूट दिया जाता है। आप देखे होंगे राफेल का वीडियो बनाए थे तो उसे अंबाला में वाटर सैल्यूट दिया था। हालांकि इसके पीछे जो मेन कारण है वाटर सैल्यूट, देखिए ये तो भाई ऐसा मान लीजिए वाटर सैल्यूट करना है तो हमेशा यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जब जहाज ठंडे एरिया से आता है, जैसे कश्मीर से आया है या कहीं हाई एल्टीट्यूड पे आया है, तो ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घट जाता है, तो जहाज़ के ऊपर बर्फ जम जाते हैं सब बहुत ज़्यादा मात्रा में। और अमेरिका में एक जहाज क्रैश कर गया था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ जम गया था। तब से ये नियम बना दिया गया कि अगर कोई जहाज़ ठंडे एरिया से आ रहा है तो उसके ऊपर वाटर सैल्यूट किया जाता है। आप जानते होंगे कि बर्फ़ को पानी, बर्फ़ के ऊपर पानी छिड़किएगा तो बर्फ पिघलने लगता है, तो इसके ऊपर वाटर सैल्यूट कर देने से इसके ऊपर जितना भी बर्फ था वो पिघल जाता है, जिससे कि जहाज का लोड हल्का हो जाता है और जहाज गिरती नहीं है। एक चीज़ और गौर किए होंगे कि 90% जहाज़ें वाइट कलर की ही होती हैं। वाइट कलर की इसलिए होती हैं कि जब ये हवा में उड़ रही होती हैं और बीच में बर्फबारी होने लगती है पटर पटर, तो उसमें जहाज लड़ता है तो इसमें बहुत सारे स्क्रैच आ सकते हैं, खरोंच वगैरह आ सकते हैं, कहीं ढचक पचक सकता है। तो अगर हम इसे रंगीन रंग देंगे ना, लाल पीला हरा, तो कहीं भी पचकल ढचकल स्क्रैप वाला हिस्सा आराम से नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही वाइट कलर का रहेगा ना, तो कहीं भी खरोच या कुछ भी आया रहेगा ना, आराम से दिख जाता है। इसलिए इसे हम लोग वाइट कलर का अक्सर ही जहाजों को पेंट आप देखेंगे। जहाज के इंजन में एक चीज और देखिएगा, ये ससुरा इंजन में आजकल जितनी जहाज है सब ना, वो एकदम गोल नहीं है, बल्कि नीचवा से तनसा चपटा है, यानी नीचे से फ्लैट है। आप देखिए यहाँ पे भी नीचे से हल्का सा चपटा है, देख रहे होंगे, तो ये देखिए ये ऊपर से गोल आया है और नीचे हल्का सा चपटा हो गया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इंजन जो लगाए गए रहते हैं, जहाज़ों के जो इंजन लगाए गए रहते हैं, वो डैना के ऊपर नहीं होता है, डैना के इसको नीचे लगाया जाता है। अब डैना के नीचे लगा देने से क्या होता है कि नीचे से जमीन पे से जगह बहुत कम बचता है। आप देखिए बहुत कम जगह है जमीन पे से, तो अगर ज़मीन पे से जगह कम है और जहाज नॉर्मल उतरती है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नॉर्मल उतरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी हवाओं का आंधी वगैरह चलते हैं तो वो स्टॉर्म में फंस जाती है, तो क्रॉस लैंडिंग हो जाता है। क्रॉस लैंडिंग में जहाज़ हल्का तिरछा हो जाता है, और हल्का तिरछा होगा तो इस साइड का तो इंजन उठ गया है और इस साइड का इंजन ज़रूरत से ज़्यादा नीचे झुक गया है। तो अगर गोल बना देंगे ना गोल, तो एरिया नीचे का ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नीचवा सतह उठा देता है, इसलिए इसको पेदिया उठा देता है ताकि
बाय द वे क्रॉस लैंडिंग हो या झटका भयानक लगे, सॉकर काम नहीं किया, तो इसे बचाया जा सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश किया जाता है कि ऊपर रखा जाए ताकि ये ग्राउंड के टच में ना आए। तो आई होप आप ये सब चीज़ें समझे होंगे। पूरा लेक्चर का मेन उद्देश्य था कि आपको रैमजेट और स्क्रैमजेट समझा सके। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जहाज़ों में अलग अलग टाइप की लाइटें लगाई गई रहती है, बीकन लाइट, रनवे लाइट, रनवे टर्न ऑफ लाइट, नेविगेशन लाइट, एंटी कोलिजन लाइट, लोगो लाइट, टैक्सी वे लाइट, बहुत तरह की लाइट होती है, एक और हरा लाइट, लाल लाइट। इन सब का मतलब होता है कि जहाज किधर खड़ा है, इस सब का कोड होता है। आप देखे होंगे हम आपको रनवे की सारी लाइट से वगैरह के बारे में समझा दिए थे। अब सूचना समझिए, आप सब लोग को जो एप्लीकेशन का इंतजार था, एप्लीकेशन आ गया है, उसका नाम ऑफिशियल नाम है खान सर ऑफिशियल। ये एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर पे इसे डाल दिए गए हैं। इस पे जो क्लासेज स्टार्ट होंगे वो 12 तारीख से होंगे। अभी इसमें ज़्यादातर चीज़ें लॉक होंगी, आपको डेमो की चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी आपको इसके फीचर्स देखना है तो अब आप इसे डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है खान सर ऑफिशियल के नाम से। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। दूसरी सूचना देखिए भाई, मेरा ये चैनल ऑफिशियल चैनल है, मेरा ओरिजिनल चैनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर, ये मेरा ओरिजिनल चैनल है। लेकिन चैनल काफ़ी लोगों के हैक हो रहे हैं, इसलिए हम एक बैकअप के लिए चैनल बनाए हैं जिसका नाम है खान सर लाइव। लेकिन कुछ लोग उसका डुप्लीकेट कर लिए हैं। आप डुप्लीकेट की पहचान कैसे कीजिएगा कि जो मेरा बैकअप का चैनल है उसमें भी 100,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। अगर किसी के सब्सक्राइबर बहुत कम है और मेरे नाम से बनाया है, मान लीजिए 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर, 50,000, तो समझिए कि मेरा चैनल नहीं है, वो फेक चैनल है, ठीक है, हमारे चैनल पे। और दूसरा चीज़, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर हाइड किया हुआ है, वहाँ दिख ही नहीं रहा है कितने सब्सक्राइबर, तो भी समझिएगा वो फेक है। मेरे चैनल पे जो ओरिजिनल है खान जीएस रिसर्च सेंटर, उस पे 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और जो बैकअप के लिए बनाए हैं आपको 2-3 दिन पहले, उस पे 100,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। बाकी कई लोग मेरे नाम से कई चैनल बना लिए हैं। आगे बाकी सब चीज़ आप समझदार हैं, ये एप्लीकेशन चालू कीजिए, इस पे पढ़ाना चालू करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आप लोग को लगता है कि एप्लीकेशन आने के बाद यूट्यूब पर क्लास नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है भाई, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है कि हम कभी चाह के भी आपको नहीं भूल सकते हैं। इसलिए यूट्यूब पे जो चीज़ें हैं वो एज ए शेड्यूल चलती रहेंगी, एप्लीकेशन पे भी चलेगा। एप्लीकेशन पे फीस नॉमिनल फीस रहेंगी, बहुत कम रहेंगी, और एप्लीकेशन पे भी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि उस पर भी कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगी। तो यूट्यूब पर 100% फ्री है, एप्लीकेशन पे भी कुछ सेक्शन ऐसा है जो फ्री है, उस पे भी ऐसे ही यूट्यूब की तरह वहां पे भी आपको नॉलेजेबल चीजें मिलती रहेंगी। जो कोर्सेज है उसके बहुत नॉमिनल फी रहेंगे, जो पहले करेगा उसे कम फी मिलेगा, जितना लेट करिएगा उतना ज्यादा आपको लॉस हो सकता है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसे आप लोग लोड एप्लीकेशन ले लीजिए प्ले स्टोर पर खान सर ऑफिशियल। बाकी आप इसका जो कोर्सेज स्टार्ट होंगे, जो लॉक करके रखा गया हर चीज को, वो 12 तारीख के बाद लॉक उसका खुलेगा। अब उसमें दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, हर चीजों की तैयारी होगी। भाई साहब हम आपको सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, आपका चाहे, अब आपकी मर्जी, आप चाहे यूपीएससी में जाइए या पीसीएस में जाइए, चाहे चपरासी में बनिए, हमारा काम है आपको ए टू जेड चीज समझा देना। आपको जीएस में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी हम लेते हैं, और कभी भूलिएगा मिले। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।